ओम शांति। आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल सीधा सुधा टुथ लाइज विदिन में। और आज हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं वरदान की, जो कि 26 मार्च के वरदान की है। और आज परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम योग के साथ में प्रेम और ज्ञान के साथ में भावनाएं अटैच कर दें, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं और परमात्मा के बहुत निकट आ सकते हैं। जिसको कहा जाता है ज्ञान योग और भक्ति योग, भावनाओं के साथ। तो देखें परमात्मा कहते क्या है, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान भवा। जो ज्ञान स्वरूप योगी तू आत्माएं हैं, ज्ञान भी है उनके अंदर और योगी तू आत्मा है, मेडिटेट भी करती परमात्मा पर, वे सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति करते हुए विजय बनती हैं। उनके अंदर सारी शक्तियां रहती हैं, परमात्मा उनको सारे शक्तियों से भरपूर कर देते हैं, क्योंकि वो ज्ञान को भी बहुत अच्छे से समझ रही हैं और साथ ही साथ उस पर मेडिटेट भी कर रहे हैं, परमात्मा भी मेडिटेट कर रहे हैं भावनाओं के साथ। जो सिर्फ स्नेही व भावना स्वरूप हैं, उनके मन और मुख में सदा बाबा बाबा है, जिनके अंदर स्नेह है परमात्मा के प्रति, उनको वो बाबा बाबा मतलब पिता, परम पिता परमात्मा बाबा बाबा है। इसलिए समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता है, किससे, परमपिता परमात्मा से उनको सहयोग प्राप्त होता है, जिनका स्नेह है भावनाएं हैं। लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी तू आत्माएं समीप हैं, जो क्लोज होती है परमात्मा के, उनको क्या, उनको ज्ञान है। जैसे परमात्मा के पास में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, कि ये ड्रामा कब शुरू हुआ, कब इसमें बीच में इंटरवल आया, कब यहाँ पर विलन एंटर हुआ, हीरो के बाद में विलन भी आता ना, तो कब हुआ इंटरवल, कब विलन एंटर हुआ, मतलब रावण राज्य कब शुरू हुआ, और सुख के दिन दुख के दिन कैसे परिवर्तन हो गए, सारा ज्ञान परमात्मा के पास में। और अभी ये दुख के दिन कैसे सुख में परिवर्तन होंगे, ये भी परमात्मा करके हमें बताते हैं। तो ज्ञान भी हो गया और उनके साथ में कनेक्शन योग भी हो गया, स्नेह का, प्रेम का। तो परमात्मा कहते हैं, लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी तो आत्मा समीप है, इसलिए जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप हो। भावना परमात्मा को प्रेम से याद करना, और फिर ज्ञान, जिससे प्रेम होता है उससे ज्ञान लेना आसान होता है। जैसे कि आप, अगर आपको याद हो, आप भी जब किसी टीचर से स्कूल में, अगर वो टीचर पसंद आती थी आपको, तो वो टीचर चाहे मेल हो फीमेल हो, वो पसंद अगर आपको आते थे तो अगर आपको उनसे कुछ ज्ञान मिलता था तो आप खुशी खुशी अटेंशन में लेते थे। लेकिन वही टीचर अगर डिसरिस्पेक्टफुल हो, आपको बहुत ही गलत ऊंचा नीचा बोले, आपसे पैर से बात ना करे, स्ट्रिक्टली बात करे, और आपको अगर वो टीचर पसंद ना आए, तो वो ज्ञान समझ ही नहीं आता था। अनुभव है ना आपको भी। परमात्मा कहते हैं, मैं तुम्हें प्रेम देता हूँ, मैं प्रेम का सागर हूँ। जब हम परमात्मा से याद में बैठते हैं, प्रेम मिलता है, ऑटोमेटिकली परमात्मा की सारी बातें हमें समझ आनी शुरू होती हैं। तो परमात्मा कहते हैं, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग, ज्ञान युक्त की भावनाएं और स्नेह संपन्न जोड़, परमात्मा से योग मतलब जुड़ना, योग इन दोनों का बैलेंस उड़ती कला का अनुभव कराते हुए बाप समान बना देता है, परमात्मा के समान। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम गॉड गॉडेसेस जैसे डिवाइन बन जाएं, देवी देवताओं जैसे दिव्य बन जाएं, क्योंकि परमात्मा की सबसे पहली रचना कुत्ते बिल्ली मच्छर नहीं थे, परमात्मा की सबसे पहली रचना देवी देवता थे। तो परमात्मा किसके जैसे रचेगा इंसान को, कुत्ते बिल्ली जैसे, कीड़े मकोड़े जैसे, कि परमात्मा किसी को देवी देवता जैसे रचेगा, आप खुद ही सोचिएगा इसके बारे में, आंसर हो तो बता दीजिएगा। तो आज का ये श्री वरदान, इसके साथ में ओम शांति।